राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में राजधानी में 2790 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बुधवार के मुकाबले 53% ज्यादा मामले सामने आए हैं। बीते दिन राज्य में 11,027 मामले सामने आए थे, वहीं कोरोना से 9 लोगों की मौत हो गई। राज्य में अब तक 6,43,686 मरीजों की रिकवरी हो चुकी है, वहीं एक्टिव केसेस 10,498 हैं। कुल 11,036 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। इसके साथ ही दिल्ली में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 6,65,220 है। हालांकि इनमें से 6,42,686 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 8,646 नए मामले सामने आए। राज्य में पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मुंबई में पिछले 24 घंटे में महामारी से 18 और मरीजों की मौत हो गई, जबकि 5,031 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मुंबई में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 4,23,360 हो गए हैं और अब तक 3,55,691 लोग बीमारी से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोविड-19 से अब तक 11,704 मरीजों की मौत हो चुकी है और अभी 55,005 मरीज उपचाराधीन है। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों से कहा है कि अगले आदेश तक नए एकेडमिक सेशन में किसी भी क्लास के छात्रों को ना बुलाया जाए। शिक्षा निदेशालय ने नोटिस जारी कर कहा कि एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए पढ़ाई डिजिटल मोड से ही कराई जाए। शिक्षा निदेशालय यानी कि DOE के आदेश के अनुसार 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र ही स्कूल आ सकते हैं। ये छात्र अपने अभिभावकों की मंजूरी लेकर परीक्षाओं, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल असेसमेंट संबंधी कार्यों के लिए स्कूल आ सकेंगे। आपको बता दें कि शिक्षा निदेशालय ने पिछले महीने एक नोटिस जारी कर सभी सरकारी स्कूलों को 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू करने का निर्देश दिया था और ऑनलाइन मोड में क्लासेस शुरू हो सकती हैं, ऐसा भी कहा था। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार कुछ लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनकर जाने में लापरवाही बरत रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थानों पर जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर गठित टीमें ऐसे लोगों पर नजर रख रही हैं और बिना मास्क के पाए जाने पर उन पर आवश्यक कार्रवाई हो रही है। CM अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर दिल्ली में 80,000 से ज्यादा टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं ताकि कोरोना के फैलाव पर शीघ्र काबू किया जा सके। पूरे देश का अपडेट दें तो कोरोना वायरस की लहर देश में एक बार फिर काफी तेज हो गई है। पिछले 24 घंटों में 72,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। लंबे समय बाद एक दिन में इतने केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 459 मौतें हुई हैं। इस साल में पहली बार इतने ज्यादा केस और इतनी मौतें एक दिन में हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ आज से 45 साल से ज्यादा की उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। अभी तक कोरोना वायरस की 6,51,17,896 डोज दी गई है। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।